वेलकम टू माय चैनल सिविल डिज़ाइन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वर्क का जो एक्चुअल स्पीड है वो कितना है। तो यहाँ पे मैं कोई अपडेट नहीं देने जा रहा हूँ, बस एक वीडियो डालूँगा, उसके माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पैकेज 25 का वर्क कितना फास्ट है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो बेड बना हुआ है, यहाँ पर पहले लेयर की फिलिंग हो गई थी और ये गाड़ी शाम को 4 बजे ख़राब हो गया था। इसमें ऐसी टेक्निकल मिस्टेक थी कि जो इंजीनियर है इंदौर से आएगा और यहाँ पे इसको ठीक करेगा, तो इसका RFI का टाइम शाम को था, तो यहाँ पे इस बेड को बिना बने नहीं छोड़ा जा सकता था। तो इस बेड को पूरा बनाया गया है और इस हाईवा के चारों तरफ मटेरियल फिल करके और पूरी रोलिंग कर दी गई है। ऐसे नहीं कि इसका जो है RFI टाइम उसको लेट कर देंगे या ये बेड को होल्ड पर रख देंगे। तो ये वर्क की स्पीड इतनी है, इतना लोड है इस वर्क को जल्दी कंप्लीट करने के लिए कि हम जो अपना व्हीकल है फंसा हुआ है उसको ठीक करके, मतलब ये इसका जो इंजीनियर है वो एक दिन बाद में आया था, पर इसका जो RFI टाइम है या जब बेड का जो फिलिंग है वो लेट ना हो उसके लिए चारों तरफ फिलिंग कर दी गई है। लगभग देखिए 250 mm का लेयर इसके पहियों के चारों ऊपर दिख रहा है, तो पूरा रोलिंग भी हो गया था। अभी ये लेयर पास होने के बाद में यहाँ पे इस हाईवा को इस PC के माध्यम से मटेरियल को अनलोड करके निकाल दिया जा रहा है और फिर इसके बाद में जो ये यहाँ पे जो ट्रेंच बन रहा है, इस ट्रेंच में फिलिंग करके लेयर बाय लेयर इसको भर दिया जाएगा और बाद में नेक्स्ट लेयर में इसको चेक करा दिया जाएगा। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो वर्क है बहुत ही स्पीड से चल रहा है।